कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आज नेशनल पार्टी के लिए इंतहाई एक अच्छा दिन है, जो BSO के बहुत से साथी जो मुख्तलिफ़ पार्टियों में थे या मुख्तलिफ़ औक़ात में हमारी गलतियों की वजह से हमसे जुदा हो गए थे, आज कुछ अभी आज शामिल हो रहे, कुछ बाद में शामिल होंगे। तो मैं जमील अहमद से गुजारिश करता हूं कि वो बिस्मिल्ला करें और बाकी बातें बाद में कर लेंगे। जी जमील अहमद से मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, सियासत और सहाफ़त के मुकद्दम रिश्ते को लिए आज एक बार फिर इससे कबल भी मुख्तलिफ मौजूआत पर वक्तन फ़ौक्तन हमारे और आपसे ताल्लुकात रबते और तशरीह के हवाले से काफ़ी गहरा ताल्लुक रहा है। कुछ अरसे सियासी अमल से दूरी के बाद आज एक बार फिर बलूचिस्तान के मौजूदा हालात, जो बर्फ़ रफ्तार बदलते हालात है, वहाँ पे सियासी जमूत सियासी अमल में बेगानगी को मद्देनज़र रखते हुए बहैसियत एक सियासी वर्कर या सियासी कारकुन की हैसियत से जो ज़रूरत को महसूस करने वाले से आजमाइशी मुख्तलिफ तरीक़े भी आजमाए जा रहे हैं, तो सियासी अमल से दूरी बहैसियत एक सियासी कारकुन के लिए इंतहाई दर्दनाक और तकलीफनाक है। मैं आज BSO के साबिक मरकज़ी डिप्टी आर्गेनाइज़र जमील बलोच, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ बिलाल मेंगल, फ़हीद जमाल देनी और बाकी जो दोस्त जो क्वेटा में मौजूद थे, सिर्फ क्वेटा में बजाय मिसाल एक जलसे या दूसरे चीज़ों के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौजूद थे, उन्हें मधु करके आज यहाँ पे मौजूद है। खसन बलूचिस्तान के आलात और वाक़ियात बिलखसूस सियासी अमल में अमलदारी को मद्दनज़र रखते हुए नेशनल पार्टी के सियासी जमहूरी जद्दोजहद बलोच के कायदाना सलाहियतों से बाकायदा इत्तेफाक करते हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करते हैं और उनके आई और करते हुए शुक्रिया साहब। बाकी मैं तमाम दोस्तों से उनका मशकूर हूँ, जमील साहब हों या हमारे दोस्त हों, इनकी बहुत बड़ी पस मंज़र है जिसको आगे जाके हम बयान कर लेंगे। आज का जो बुनियादी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो जमील साहब की वजह से थी। बाकी जैसे जो हालात अभी चल रहे हैं और वैसी नेशनल पार्टी PDM में रहते हुए हम PDM के तमाम फैसलों के पाबंद रहे हैं और जद्दोजहद में भी उसके साथ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि PDM के वो बुनियादी नुकात थे। शकील साहब पैदा भी हो जाएगा तो कुर्सी पर तो बिने बुनियादी नुकात थे कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाना है और पाकिस्तान में तमाम अदारे अपनी आइनी किरदार अदा करेंगे, जो PDM का बुनियादी मकसद था। हम उम्मीद रखेंगे कि जो भी तब्दीली आएगी PDM के हवाले से वो मुस्बत होगी और जो एक सही मानों में एक गैर जानबदार ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की जानब जाएंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अवाम के पास जाएंगे। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह, क्योंकि 2018 में हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आप दोस्तों के सामने है, उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले इलेक्शनों में नेशनल पार्टी एक बेहतर पोजीशन में होगा जो अपने सूबे और इस मुल्क की खिदमत कर सकें। जी भुट्टी साहब।